दोस्तों, कई बार हम डिसाइड तो बहुत कुछ करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, पर जब एक्चुअल करने का टाइम आता है तो कर नहीं पाते, क्योंकि अंदर वो नशा ही नहीं होता उस काम को करने का। और जब तक कोई भी काम करने का नशा यानी कि वो एडिक्शन तुम्हारे अंदर नहीं आ जाता, तब तक तुम उस काम को कभी भी 100% नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी काम को करने में जो नशा है वो बंदे में होना चाहिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हों। अगर आपके अंदर वो नशा है, वो एडिक्शन है, तो आप खुद को रोक नहीं पाओगे उस काम को करने से। अगर आपने किसी शराबी या नशेड़ी बंदे को देखा होगा तो आप जानते होंगे वो रह ही नहीं पाता बिना नशा किए हुए, क्योंकि नशा करने की जो तलब होती है वो उसे नशा करने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि एक टाइम के बाद उस बंदे की नील बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपका कोई सपना है, कोई चाहत है जिसे आपको हर हाल में हासिल करना है, और जब ये सपना आपकी नील, आपकी ज़रूरत बन जाए, तो आप मेहनत का नशा किए बिना खुद को रोक नहीं पाओगे। और इस नशे से जो बीमारी होती है उसी का नाम है सक्सेस, उसी का नाम है कामयाबी। दोस्तों, सपनों को हासिल करने का नशा अगर ना होता तो कोई भी बंदा 16-16 घंटे काम नहीं करता, क्योंकि यह कौन चाहता है आराम छोड़कर दिन रात काम करना? सीरियसली कोई नहीं चाहता, फिर भी लोग करते हैं क्योंकि उनका वो नशा काम करने पर मजबूर करता है। आपने कभी सुना है या नहीं, पर बिल गेट शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम पर काम कर रहे थे, तब वो रात को शूज पहनकर ही सो जाते थे ताकि दूसरे दिन उठकर उसमें टाइम ना वेस्ट करना पड़े। थोड़ा पागलपन भरा होता है, लेकिन यही नशा होता है अपने सपनों का। पर यही आप किसी नॉर्मल बंदे को कंपेयर करोगे तो यह बंदा फ्राइडे को तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि वीकेंड पर अपने काम को छोड़कर वो लाइफ को एंजॉय कर सकता है। पर वीकेंड खत्म होने के बाद वनडे मॉर्निंग को जब ये बंदा काम पर निकलता है, तब इसकी हालत किसी कैदी जैसी हो जाती है, जैसे फिर से इसे किसी जेल में डाल दिया जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर कोई सपना ही नहीं है, ना ही कोई पैसन है। तो ऐसे केस में नशा तो सिर्फ फालतू चीज़ों का होता है। दुनिया में जो भी बंदा सेल्फ मेड यानी कि जिसने उसका एम्पायर खुद बनाया है, हर एक बंदे में नशा था उनके सपनों को पूरा करने का, चाहे फिर वो जीरो से हीरो बना, बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने, या जीरो से इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाने वाले धीरू भाई। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लोगों ने जीरो से शुरुआत की, आज वही लोग दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इनका रास्ता भी उतना ही चैलेंजिंग था जितना कि बाकियों के लिए था, पर इनके अंदर जो बात थी वो बाकियों में नहीं थी, और वो था उनका सपना, उस सपने को हकीकत में लाने का नशा। मैं उस दिन इलॉन मस्क की बायोग्राफी पढ़ रहा था और उनका वीकली रूटीन वहाँ पर मेंशन किया हुआ था। वो पढ़कर मैं लिटरली हैरान हो गया कि कोई बंदा इतना डेडिकेटेड कैसे हो सकता है अपने सपनों के लिए, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल बंदे को उनका एक हफ्ता भी रूटीन फॉलो करने को बोला जाए तो आई डाउट कोई कर पाएगा। और उसी डेडिकेशन के चलते ये बंदा आज उस मुकाम पर है। और दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ जीरो टू हीरो बने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बड़े एम्पायर, बड़ा बड़ा नाम उनकी फैमिली से मिलाता है, और उन्होंने उस एम्पायर, उस नाम को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक शायद उनकी फैमिली भी नहीं पहुँचा पाई थी। और इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे मोटा भाई अंबानी का। अंबानी ब्रदर की कहानी तो आप सब जानते होंगे, दोनों ने एक ही जगह से ही शुरुआत की थी और ये बंदा आज पूरे एशिया का सबसे अमीर बंदा है। दूसरे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों, ये सब बताने के पीछे का मकसद ये है कि शुरुआत भले ही आपके पास सब रिसोर्स हों, पर अगर आपके अंदर वो दम नहीं है तो आप परफॉर्म्स नहीं कर पाओगे। और यही कहानी हमने बॉलीवुड में कई बार देखी है, जहां पर बाप सुपरस्टार और बेटा फुल फ्लॉक। इसलिए दोस्तों, कभी भी ये सोचकर डिप्रेस मत होना कि तुम्हारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। अगर तुम्हारे पास वो सपना है और उसे पूरा करने का नशा और जिद है, तो यकीन करिए कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदमों में होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा, और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।